डॉक्टर बनना बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है और मेहनत सब स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एमडीकेट क्लियर नहीं कर पाते। और ये नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, बल्कि इशू उनके एमडीकेट गाइडेंस में होता है। सो इन टुडे वीडियो आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट गाइडेंस एंड विल टेल यू हाउ टू सिक्योर 190 प्लस मार्क्स इन एमडीकेट। हेलो, दिस इज मी तल्हा बाबर, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट अयूब मेडिकल कॉलेज एबटावा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन एंड स्ट्रेस रिड्यूस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे। और स्ट्रेस रिड्यूस करना, ऑलमोस्ट एवरी यूट्यूबर आपको यही कहेगा कि स्ट्रेस को कम करें। और मुझे पता है और आपको भी पता है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि इस माहौल में स्ट्रेस रिड्यूस कोई नहीं कर सकता, लेकिन मोटिवेशन के जरिए आपने अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। और रिड्यूस इस तरह करना है कि अपने किसी की कोई बात अपने लिए कोई मोटिवेशन बनाए, अगर किसी की वीडियोज आपके लिए मोटिवेशन है तो वो देख लिया करें। जब जब आप पे स्ट्रेस आए या आपको टेंशन आए कि मैं नहीं कर सकता, तो वो बात अपने सामने लिख लिया करें या वो वीडियो अपने सामने लगा लिया करें। और अगर वेल एंड गुड, अगर आप लोग तिलावत कर लिया करें तो उसके साथ आप कंसिस्टेंटली अपनी स्टडी करते रहेंगे। सेकंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ों में अपने आप को उलझा देते हैं और कहीं के नहीं रह जाते। सो आई वुड टेल यू कि सिर्फ एक बुक को, एमसीक्यूज बुक को फॉलो किया करें। चाहे आपने गिफ्ट की करनी है, चाहे आपने जीनियस की करनी है, चाहे चैंपियन की करनी है, ऑलमोस्ट एमसीक्यूज तकरीबन सेम ही होते हैं। एमसीक्यूज का मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस हो जाए कि इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। बाकी तो आपने अपना माइंड यूज़ करना है कि मैं एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करूँगा, फॉर्मूला यूज़ करना है। और जितनी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी, उतने आप ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कर सकेंगे। और अपने मनी या अपना टाइम जो है, जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है लाइक एक्सप्लेनेशन बुक्स, फिजिक्स के अलावा किसी और चीज़ पर ज़ाया ना करें, क्योंकि अपनी फिजिक्स की बुक होती है उसमें बहुत छोटी छोटी डिफिनीशंस और वो होती है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता। मैंने खुद किप्स की एक्सप्लेनेशन बुक देखी थी फिजिक्स के लिए, और आप लोग भी देख सकते हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, सबसे जो अहम बात है ना, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स स्ट्रेस रहते हैं। एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से इस तरह कंपेयर करता है कि ये तेज़ है या इसको कुछ आ रहा है, उसको कुछ आ रहा है, उसने पढ़ा होगा। आपके पास टाइम है, आपको भी वो सब कुछ आ सकता है, लेकिन अगर आप पढ़े, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता 100% में। अगर 1% बंदा इंटेलिजेंट हो तो वो लक की बेस पे या बस अल्लाह ने उसे ऐसा दिमाग दिया होगा, लेकिन 99% जो बंदे होते हैं, मैं और आप सब एवरेज है। हम जब पढ़ेंगे तो हमें कुछ आएगा। तो इसके बेस पे अपने आप को डीमोटिवेट ना किया करें, अपने आप को नीचे ना समझें। आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आप आगे चलते जाएंगे, उतना आपके साथ इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। और आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वो है ऑनलाइन एकेडमीज एंड फिजिकल एकेडमीज। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी सिलेक्शन पक्की है, बट सबसे बड़ी गलती यही है, जब तक आपको टीचर पढ़ा रहा है आप देख रहे हैं, उससे नहीं होगा काम। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हो सकते। अगर किसी ने एकेडमी ज्वाइन करनी है, वेल एंड गुड, अगर नहीं करनी तब भी वेल एंड गुड। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप नहीं कर रहे तो आई थिंक इतना टाइम ही नहीं होता IFSC एग्जाम के बाद के बंदा एकेडमिक भी करे और सेल्फ स्टडी भी करे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सेल्फ स्टडी। तो अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर भी रहे हैं तो उसके साथ अपनी सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। सिर्फ ये ना कहें कि हमने एकेडमी ज्वाइन कर ली तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। टाइम टेबल और शेड्यूल आपके लिए इस तरह अहम है, क्योंकि जब आप टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि मैंने अपना कोर्स 30 डेज में कवर करना है या 35 डेज में कवर करना है। आपसे टाइम चलता जाएगा और आपका काम भी उस वक्त उस तरह नहीं होगा जिस तरह आपने सोचा होगा। तो एक टाइम टेबल बना लिया करें। जो काम आपसे रह जाएगा ना, तो आपको पता होगा कि ये काम मुझसे रह गया है और 30 डेज के बाद मैं अपने लिए 3-4 डेज रख लूँगा और उसमें जो रहा हुआ काम है वो मैं कंप्लीट कर लूँगा। सो डैट विल बी गुड फॉर यू। बाकी जो जो पॉइंट्स मैंने बताई हुई है, इंशाल्लाह आई वुड मेक सेपरेट वीडियो ऑन डैट। जो बुक्स फॉलो करनी है, एकेडमी ज्वाइन करनी है या नहीं, आई वुड आल्सो आस्क फ्रॉम माय कोलीग्स, ताकि वो अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके। और इसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए और वीडियोस बना सकेंगे। थैंक यू सो मच।